पीएम मोदी ने सिवनी में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए मध्यप्रदेश सरकार की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा, प्रदेश को निरंतर विकास चाहिए, मध्यप्रदेश को लगातार सुशासन चाहिए। भाजपा है तो भविष्य बेहतर है, भाजपा है तो विकास है। उन्होंने कहा, जनता की गारंटी भाजपा को जिताने की है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कुक्षी और इंदौर में चुनाव प्रचार किया। कुक्षी में विशाल जनसभा को संबोधित किया, जनता से की कांग्रेस को जिताने की अपील। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे के निर्देश पर उनके नेतृत्व वाली शिवसेना की एमपी इकाई ने बीजेपी को विधानसभा चुनाव में समर्थन देने की घोषणा की। पार्टी की मध्यप्रदेश इकाई ने इस संबंध में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा को पत्र भेजा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अनुराग ठाकुर ने कहा, झूठी गारंटी झूठी कांग्रेस, झूठ बोलकर ठगने वाली कांग्रेस। हिमाचल ठगा, कर्नाटक ठगा, ठग लिया राजस्थान। 10 महीने पहले हिमाचल चुनाव में भी दी थी गारंटी, लेकिन नहीं की पूरी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सुर्खी विधानसभा के बेलहरा में जनसभा को संबोधित किया। कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा जनता को नहीं है कांग्रेस पर विश्वास, तो 5 राज्यों में बनेगी बीजेपी की सरकार। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इंदौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मीडिया पुस्तक का विमोचन किया दिग्ध शिरका। इंदौर में अभय प्रशाल स्थित बीजेपी के मीडिया सेंटर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। पीयूष गोयल बोले, एमपी में बीजेपी की बड़ी जीत सुनिश्चित। आम लोगों को राहत देने के लिए महंगा प्याज खरीदकर सस्ते दामों पर बेच रही है सरकार। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और सांसद विष्णुदत्त शर्मा छतरपुर के दौरे पर चंद्रा विधानसभा कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करने पहुंचे। वीडी शर्मा बोले, एमपी में हर बूथ पर बीजेपी की प्रचंड जीत तय। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह आज उज्जैन और रतलाम के दौरे पर रहे। तमाम विधानसभा सीटों के प्रत्याशी और कार्यकर्ताओं से चर्चा की। कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। सेक्टर मंडलम और बूथ कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी की। सीएम शिवराज का 8 विधानसभाओं में ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार। शिवराज सिंह चौहान ने बांधवगढ़, ब्योहारी, धौहनी, चुरहट, सिंहावल, चितरंगी, सिंगरौली विधानसभाओं में रैलियां की, रोड शोज किए। जनता से बीजेपी को भारी बहुमत से जिताने की अपील की, अपने कार्यालय में उपलब्धियां गिनाई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस को चेतावनी दी। एक सभा को संबोधित करते हुए कहा, कांग्रेस घटिया राजनीति पर उतर आई है। कांग्रेसी मेरी बहनों को बोल रहे हैं, यदि कांग्रेस की सरकार आई तो तुम्हारे घर का चूल्हा नहीं जलने देंगे। मैं कांग्रेस को चेतावनी देना चाहता हूं, मेरी बहनों, भांजे भांजियों को कुछ कहा तो बर्दाश्त नहीं करूंगा।